उसमें हाई वोल्टेज का हमने हाई वोल्टेज अक्रॉस दी कैथोड साइड में, कैथोड साइड में हमने हाई वोल्टेज की हमने बैटरी लगाई थी, और वहाँ पर हमने बैटरी लगाने पर एनोड थ्रॉक विच द इलेक्ट्रॉन कैन पास अहीड, तो इलेक्ट्रॉन को आगे पहुँचाने के लिए हमने यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव होंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन को आगे पहुँचाने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक हाई वोल्टेज की एनर्जी ली। व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड द एक्सपेरिमेंट सम फोर्स एंड व्हेन चार्ज इज एक्सीलरेटेड एनी मैग्नेटिक फील्ड। हेलो तो दोस्तों, यहाँ पर हमें बताया है कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारा जब व्हेन एवर ए चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सपेरिमेंट सम फोर्स एंड व्हेन जो हमारा कुछ फोर्स और कुछ चार्ज हमारा एक्सपेरिमेंट करता है, तो दोस्तों जो हमारा चार्ज होता है वो क्या है, हमारा जो हमारा चार्ज का फॉर्मूला है वो है दोस्तों एफ पी इंटू चार्ज, एफ पी इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल, तो यहाँ पर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करेंगे क्यू इंटू ई रे, और एफ बी यानी एफ बी यानी हमारा जो फोर्स है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स में क्यू वी इंटू बी, तो दोस्तों ये है वी इंटू बी, तो वी इंटू बी को जब हम डिफाइन करेंगे तो दो चीज़ों से डिफाइन करेंगे, वी इंटू बी को वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी को आप सभी को बताया वी क्रॉस बी हम उसका फॉर्मूला निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला होगा क्यू वी बी साइन थीटा, जी है इसका फॉर्मूला होगा। अब बाई डूइंग अब यहाँ से हम जब हम इसका फोर्स को कैलकुलेट करेंगे बाई डूइंग फोर्स बैलेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहाँ से जब हम इसकी एनर्जी को कंजर्व करेंगे बाई जे जे थॉमसन मैथमेटिकल कैलकुलेटर, चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच क्यू बाई एम इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.758 इन 10^-11 11 किलो कैलोरी पर ग्राम, यहाँ पर हमारा क्यू बाई एम का ये रेशियो है बाई डूइंग बैलेंस एनर्जी एंड कंजर्वेशन है जे जे थॉमसन मैथमेटिकली ऑफ कैलकुलेटेड चार्ज बाई मास रेशियो। तो दोस्तों मास रेशियो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, अब हम दोस्तों आगे डिफाइन करेंगे मुलिकन, एक मुलिकन एक्सपेरिमेंट, मुलिकन ने भी एक्सपेरिमेंट किया था इसी चीज़ पर, एक इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करने पर, हमने दोस्तों आप सभी को बताया कि ये किसने क्या किया था, जे जे थॉमसन ने एक इलेक्ट्रॉन की ही हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, हमने इलेक्ट्रॉन की वीडियो ये शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दी है, और आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी बता सकते हैं, हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिफाइन किया, तो यहाँ पर हमने पहले कुछ समय जो ये हमारे हमारे चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने थे वो हमने यहाँ पर निकाले हैं मुलिकन एक्सपेरिमेंट में, तो दोस्तों हम मुलिकन एक्सपेरिमेंट इसलिए डिफाइन करेंगे क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट में कुछ चार्ज और कुछ वैल्यू जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके क्वेश्चनों जेई के क्वेश्चनों में, तो आ जाते हैं मुलिकन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों मुलिकन ने क्या किया था, मुलिकन परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट इन सिलेंड्रिकल कंटेनर, दोस्तों ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, तो सिलेंड्रिकल कंटेनर में ये हमारा कोई एटोमाइजर है और हमने टेलीस्कोप से यहाँ पर देखते हैं, और ये हमारा क्या करते हैं कि इन विच ऑयल ड्रॉप्स आर वर स्प्रिंकल्ड थ्रू एटोमाइजर, जो जो ऑयल ड्रॉप्स हैं वो स्प्रिंकल्ड विद दी एटोमाइजर की हेल्प से यहाँ पर भी स्प्रिंकल्ड हैं, चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एनोड, तो दोस्तों ये हमारी वो है मुलिकन से जो हमारी ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो दोस्तों इसे ध्यान से देखना, ये मुलिकन का एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर हमने जब बी एंड एम जी माइनस एट स्टेट ऑफ फ्री फॉल, जब हमने स्टेट ऑफ फ्री फॉल पर करी एटोमाइजर, ये हमारा एटोमाइजर यहाँ से और टेलीस्कोप हमें टेलीस्कोप से देखेंगे, जब यहाँ से हम एटोमाइजर से हम अपने स्प्रिंकल्ड करेंगे तो यहाँ पर वो कुछ रुक जाएंगी, तो दोस्तों ये किस तरीके से बताते हैं हम इस क्वेश्चन को, एक्सरेज आयोनाइजेज द गैस मॉलिक्यूल एंड दीज आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल गेट स्टिक टू ऑयल ड्रॉपलेट्स, जो एक्सरेज होती हैं वो आयोनाइज कर देती हैं गैस मॉलिक्यूल को एंड दीज आयोनाइज मॉलिक्यूल गेट्स स्ट्रिक्टेड टू ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड फॉलिंग इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल एट विच नेट फोर्स जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है नेट फोर्स जीरो हो जाता है, वी इक्वेट द नेट फोर्स ओवर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जब हम उसका नेट फोर्स हमारा इक्वेट करते हैं दोस्तों एट स्टेट ऑफ फ्री फॉल, तो क्या होता है यहाँ पर फ्री फॉल स्टेट पर एफ ई क्या फोर्स होगा, आपने ये फिजिक्स में भी ये टॉपिक आता है सरफेस टेंशन का, तो वहाँ पर अपने जिसमें कि फोर्स को बैलेंस करते हैं, तो फोर्स यहाँ पर क्या है इक्वेट कर दिया, इक्वेट दी नेट फोर्स, तो यहाँ पर हमने इक्वेट किया एफ ई इक्वल टू एफ एम जी इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू एम जी, तो यहाँ से हमको क्यू ई फाइंड आउट हो जाएगा, क्यू ई क्या फाइंड आउट होगा क्यू ई क्यू इक्वल टू एम जी बाई ई, और यहाँ से हम सॉल्व क्यू ई कर देंगे, तो सॉल्व क्यू ई करने पर हमको फाइंड आउट होगा जो हमने इसको प्रॉब्लम एम जी बाई ई को सॉल्व करने पर हमको फाइंड आउट होगा ये 1.6 इंटू 10^12
1.6 इंटू 0.2 इंटू 19 कोलाम, ये हमारा इसका फाइंड आउट होगा। और यहाँ पर हमें ये दोस्तों सॉरी इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है कि ये हमारा माइनस में होगा शायद, क्योंकि हमारा ये सॉरी क्यू तो हमारा क्यू हमारा जो रहता है ये इसका क्यू होगा, जो यहाँ पर हमारा जो ये क्यू है हमने यहाँ पर भी आपको बताया था ये माइनस में है, क्योंकि दोस्तों ये माइनस में क्यों है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में हमारा इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी माइनस में होगी यानी, और जब माइनस में हमारा ये वैल्यू होगी तो अब दोस्तों ये हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं क्यू बाई एम। तो क्यू बाई एम हमें क्या पता चला जो हमने इससे पहला एक्सपेरिमेंट जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में क्यू बाई एम की वैल्यू आपको बता दी, क्यू बाई एम की वैल्यू क्या थी, क्यू बाई एम की वैल्यू दोस्तों ये थी कि क्यू बाई एम की वैल्यू 1.758 हमें यहाँ से हमें फाइंड आउट की दी जो भाई क्यू बाई एम इलेक्ट्रॉन रिसीविंग। अब दोस्तों हमने ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं मुलिकन आल्सो सेड दैट द चार्ज मस्ट बी क्वांटाइज्ड। तो मुलिकन ने कहा कि चार्ज भी हमारा क्वांटाइज होना चाहिए, विच मीन्स नेट चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इंटीग्रल हमारा चार्ज को क्वांटाइज होगा, चार्ज को क्वांटाइज होने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होगी, इसकी भी हमें जरूरत होगी। तो क्यू इक्वल टू एन ई 1 2 3, तो दोस्तों हमें इसकी भी हमें ज़रूरत होगी क्यू की भी। और दोस्तों यहाँ से हमें जो पता चला कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें जाने, आज हमने यहाँ से हमने जो जो हमने किससे फाइंड आउट किया कि जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की खोज इस तरीके से कुछ इस तरीके से हुई थी, और यहाँ पर हमने इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ कैथोड रे बाई जे थॉम्सन। चार्ज है हमारा 1 - 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है 9.11 × 10⁻³¹ kg, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.55 mg। और यहाँ से जो हमारा कुछ करेक्टरिस्टिक आपने देखा कि कुछ करेक्टरिस्टिक थी, हमने कैथोड रे बताई, तो कैथोड रे में एक एक्सपेरिमेंट कैथोड रे से ही होता है असल में, तो ये हमने कैथोड रे से किया था। तो कैथोड रे में हमारा जो कुछ इस करेक्टरिस्टिक होती हैं उनको डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर हम करेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे हमारे डिस्चार्ज ट्यूब हमारी, और डिस्चार्ज ट्यूब में हमारा जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये क्या होंगे, दीज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों ये हमारे क्या लाइन होंगे, स्ट्रेट लाइन है हमारे, चलते हैं अवे फ्रॉम कैथोड एंड प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हेन स्ट्राइक द ग्लास वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, दीज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों ये हमारे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं अवे फ्रॉम कैथोड एंड प्रोड्यूस फ्लोरोसेकेंड व्हेन स्ट्राइक द ग्लास वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब हमारे डिस्चार्ज ट्यूब से ये हमारे कनेक्ट होते हैं तो हमारे क्या करते हैं फ्लोरोसेंस डिफाइन करते हैं। दीज केसेज ए मैकेनिकल मोशन इन स्मॉल पिन, यहाँ पर क्या होती है मैकेनिकल मोशन होती है एक स्मॉल पिन में व्हील प्लेस्ड इन एयर पाथ, जो हमारे पाथ में इसमें रखा जा जाता है। दीज प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन स्ट्रैक विद मेटल एंड आर डिफ्रैक्टेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज प्रोड्यूस एक्सरेज। तो ये क्या करती हैं हमें एक्सरेज फाइंड आउट करती हैं, एक्सरेज हमें यहाँ से जब हम एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी जब हम इसको स्ट्राइक करेंगे विद मेटल एंड डिफ्लेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में। और तो दोस्तों यहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से आपने डिफाइन किया, किस तरीके से हमने जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट को हमने किस तरीके से डिफाइन किया, तो दोस्तों यहाँ पर दो लोग गलती कर देते हैं इस तरीके के क्वेश्चनों में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। और जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट हमने डिफाइन कर दिया है, यदि कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर हमारा चैनल पर आ सकते हैं। और दोस्तों हमने कुछ वीडियो आयोनिक इक्विलिब्रियम की बनाई है, आयोनिक इक्विलिब्रियम का हमने सारा सही बना दिया।